मीडिया मैं हूं आपके साथ साक्षी रुटेजा। भाई गर्मियों में कील मुहासे फुंसियां झाइयां टैनिंग और रूखी बेजान त्वचा से आमतौर पर सभी लोग परेशान होते हैं। इसकी मुख्य वजह है तेज धूप, गर्म हवाएं और जीवन शैली। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब हमारे चेहरे पर झलकता है। सही मात्रा में पानी ना पीना और अधिक मात्रा में जंक फूड खाना और त्वचा की साफ सफाई को नजरअंदाज करना, ये सभी चीजें चेहरे से रौनक छीन लेती हैं। लाइफ में कुछ बदलाव करके चेहरे पर चमक कामयाब रख सकते हैं अगर ये नियम अपनाएंगे तो। तो चलिए मैं आपको आज बता दूं सबसे पहला नियम कि भाई पानी से दोस्ती कर लीजिए। जी हाँ, अधिक तापमान और ज्यादा समय बाहर बिताने के कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा कम हो जाती है। इससे न केवल सिरदर्द और चक्कर आते हैं बल्कि त्वचा की चमक भी कम हो जाती है। आपको चाहिए कम से कम 10 गिलास एक दिन में सादा पानी रोज। यदि आप चाय या कॉफी जैसी चीजें पीते हैं तो इससे 3 गुना अधिक मात्रा में आपको सादा पानी पीना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं तो मेकअप के साथ कभी ना सोए। जी हाँ, गर्मियों में मेकअप उतारे बिना आप कभी भी मत सोइए। इसका पालन ना करने की वजह से त्वचा की ऊपरी सतह पर गंदगी की एक परत सी लग जाती है और यही परत वास्तव में मुहासे का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। इससे झाइयां और बेरंग होने जैसी समस्याएं भी होती हैं। यदि आप मेकअप लगाते हैं तो रात में सोने से पहले उसे जरूर उतार दें। तीसरे नंबर की चीज मैं आपको बता दूं तो मॉइस्चराइज करना ना भूलें। त्वचा को मॉइस्चराइज या नम रखने की अहमियत को नजरअंदाज ना करें। आपकी त्वचा जितनी सूखी और बेजान होगी वो उतनी ही अच्छी दिखेगी और खासकर प्रदूषण और सूरज की तेज किरणों की सबसे बुरा असर सूखी त्वचा पर ही होता है। ऐसे में सनस्क्रीन को भी बिल्कुल ना भूलें और सनस्क्रीन को तो रोज ही अपनाएं। चौथे नंबर पर मैं आपको बता दूं तो स्क्रब का प्रयोग ना करें। अपने चेहरे और शरीर को साफ रखने के लिए सोम क्लींजर का प्रयोग करें। जेल बेस्ड क्लींजर या शावर जेल सबसे अच्छा है पर इन्हें भी बहुत ज्यादा न रगड़ें। इसमें त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान होता है। अब पांचवे नंबर पर मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन केयर ट्रीटमेंट जरूर लें। कई ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो त्वचा को केवल साफ और क्लियर रखती हैं, साथ ही चेहरे की त्वचा को जवान और स्वस्थ रखने में भी मदद करती हैं। त्वचा विशेषज्ञ या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी मेडिकल फेशियल अधिक फायदा पहुंचा सकता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं तो कार्बन पील ट्रीटमेंट जरूर लें। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे फायदा उसी दिन दिखता है और लंबे समय तक इसका असर आपके चेहरे पर बरकरार रहता है। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जिसमें त्वचा विशेषज्ञ या डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा पर पहले कार्बन लगाते हैं, उसके बाद एक बहुत ही हल्का लेजर लगाया जाता है जिससे ये कार्बन के पार्टिकल्स फूट जाते हैं और त्वचा की ऊपरी परत की सफाई करते हैं। इस प्रक्रिया में झाइयां, दाग धब्बे, निशान वगैरह सभी मिट जाते हैं और चेहरे के ऊपर बारीक बाल भी प्राकृतिक रूप से ब्लीच हो जाते हैं। भाई सारे ट्रीटमेंट आप करें या ना करें लेकिन लास्ट वाला ट्रीटमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आपने ये ट्रीटमेंट किया तो आप खुद को शीशे में देख कर ही नजर लगा लेंगे। चले फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में बताइए और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए पीएमएस मीडिया।